श्री गंगानगर में भी नौ तपा का कहर जारी है। श्री गंगानगर में 47 डिग्री के करीब तापमान बना हुआ है। यहां सूरज निकलने के बाद ही भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कोरोना काल में सड़कों पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों को लू लगने का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने मीठे पानी की छबिल से अपना गला तर किया। पुलिसकर्मियों ने A1 TV को बताया कि दिन में चाय पानी की व्यवस्था है, अगर ग्लूकोज डी की व्यवस्था प्रशासन कर दे तो कोरोना के साथ साथ लू से भी बचा जा सकता है। A1 TV के संवाददाता कमलदीप ने भीषण गर्मी में पुलिसकर्मियों से जाना गर्मी का हाल। कोरोना के साथ साथ लू के थपेड़ों का भी यहां पे नज़ारा देखा जा सकता है। इस समय हम श्री गंगानगर के भगत सिंह चौक पे खड़े हैं और देख सकते हैं कि ये जो रोड थी, ये इतनी ज़्यादा आवागमन थी, अब इस रोड पे आवागमन बिल्कुल बहुत कम हो चुका है। गर्मी के कारण लोगों ने घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। हालांकि कोरोना की महामारी से भी लोग परेशान थे और घरों से बाहर नहीं निकलते थे, पर गर्मी इतनी अत्यधिक बढ़ चुकी है कि अब लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो चुके हैं। इस समय हम यहाँ पर भगत सिंह चौक पर दिखा सकते हैं कि पुलिस के जवान किस तरीके से गश्त कर रहे हैं। गर्मी के अंदर भी लगातार वो गश्त करते नज़र आ रहे हैं और किस प्रकार की उनको अगर कोई परेशानी आ रही है गर्मी के अंदर, या उनको प्रशासन द्वारा पूरा सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं। जी सर, लगातार गर्मी जो है बढ़ रही है, तो इस आपके पास क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, जो उपकरण हैं जिससे आप बचाव करते हैं? नहीं, ठंडा पानी है पीने के लिए और लस्सी वगैरह पी लेते हैं, और श्रीमान स्वास्थ्य द्वारा किट उपलब्ध कराई हुई है वो यूज़ करते हैं। इन पिछले 3 दिनों में गर्मी काफ़ी अत्यधिक तेज़ी से बढ़ रही है, क्या कुछ आपको कितना दोपहर बाद कितनी गर्मी हो जाती है, लोगों का कितना आवागमन यहाँ पर रहता है? आवागमन तो नॉर्मल चल रहा है, बाकी 3 दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ स्काउट्स के भी आपके साथ यहाँ पे लगाए गए हैं, उन एनसीसी के वो कितनी की ड्यूटी निभा पाते हैं गर्मी के अंदर, क्योंकि बच्चे होते हैं ज़्यादा, इतने बड़े भी नहीं होते हैं, तो उनको किस प्रकार से आप सहायता करते हो साथ में? नहीं, उनको साइडों में जैसे पेड़ की छाया है बढ़ा देते हैं, केयर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन द्वारा कोई और कोई मांग की ग्लूकोज वगैरह गर्मी के अंदर, अब गर्मी बढ़ रही है तो अभी तो देखो अभी लग रहा है कि आपको मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी जी, हमारे साथ एक जवान और मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। गर्मी लगातार अत्यधिक बढ़ रही है, लोगों को समझाना भी मुश्किल हो जाता है, कई बार सीधा निकल जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? सर क्या करें, गर्मी भी अत्यधिक बढ़ रही है, परंतु इसके बावजूद भी लोग घरों पर नहीं रह रहे हैं। कोरोना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, लगातार डे बाई डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, परंतु लोगों को समझाना बहुत मुश्किल ही है। इसी कारण मैं भी प्रयास कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को समझाया जाए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें। गर्मी के अंदर आप किस प्रकार की सावधानी और ज़्यादा बरतते हैं? सर गर्मी के दौरान वैसे तो प्रशासन के द्वारा हमारे यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है और पानी भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि जवानों को गर्मी से बचाया जा सके। और वैसे अलग अलग हमने सभी को कोरोना से बचाव के लिए अलग अलग बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो गर्मी लगातार अत्यधिक 3 दिनों से बढ़ रही है, उसका बचाव के लिए हालांकि ये ठंडे पानी की व्यवस्था और टेंट की व्यवस्था भी की गई है। अगर हम अनुमान लगाएं पिछले 3 दिन का, तो 45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान रह चुका है। कल का जो तापमान था वो 46 डिग्री था, आज का भी जो तापमान है वो 45 से ऊपर का है। ऐसे में गर्मी में खड़े होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।